तो क्या आपको भी राजस्थान के जैसे वॉइस निकालना है? हाँ। तो क्या आपके पास भी रेडमी का फोन नहीं है? हाँ। क्या आपको भी अपने फोन में वॉइस चेंज करना है? हाँ। और फिर भी आपको राजस्थान के जैसे वॉइस निकालने का मन करता है? अरे हाँ भाई हाँ। हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और खतरनाक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग राजस्थान के जैसे वॉइस कैसे निकाल सकते हो, वो भी अपने फोन में बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। आप लोगों को कोई भी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बहुत ईजी यार। मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी ला रखा हूँ, और मतलब आपका कोई सा भी फोन हो, मतलब मैटर नहीं करता आपका लिनोवो हो, ओप्पो हो, कुछ भी फोन हो गाइस, आपके फोन में वर्क करने वाला है ट्रिक। तो वीडियो को बस एंड तक वॉच करना। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी बंदे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। क्या अभी तक नहीं किया हो भाई? तब से बोल रहा हूँ यार, कर दो यार जल्दी से करो, तब तो वीडियो स्टार्ट करूंगा। अभी तक नहीं किया हो? अभी नहीं किए? अरे कर दो ना यार, 2 मिनट लगेगा भाई, कर दो प्लीज यार, कर दो। तो वो कर दिया यार, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपको मेरे पास कौन सा फ़ोन है और मैं कौन से फ़ोन में वॉइस चेंज करता हूँ, ठीक है। तो आपका मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरा नाम पढ़ो फोन का, Realme 7, ठीक है। तो गाइस Realme के फ़ोन में वॉइस चेंज करना जो आपको पता है कि होता नहीं है, गेम बूस्टर में भी नहीं होता ना, गेम स्पेस में होता है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, Realme के फ़ोन में गेम स्पेस नाम करके होता है जिसमें आप लोगों को वॉइस चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस मैं आज Realme के फ़ोन में वॉइस चेंज करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव प्रूफ। तो वीडियो का बस इन तक वॉच करना। और देखो गाइस मैं यहाँ पे साइड से सेलेक्ट करके कुछ दिखाया आप लोगों को, तो उससे समझ में आ गया होगा बहुत बंदों को समझ में नहीं आया होगा। तो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो सबसे पहले जाके आप लोग हाउ टू एनेबल फ्लोटिंग विंडो वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हो इसका थंबनेल कुछ इस तरीके से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में। उसके बाद आप लोग गाइस यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का रिव्यू दिखा देता हूँ। अगर देखिए वहाँ पे वॉइस चेंज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये एप्लीकेशन में, बट यहाँ पे गाइस आप लोग को ये कैसे वर्क करना है लाइव में जाके, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे गेम के अंदर जाके कैसे यहाँ पे करना है, तो वही बताने वाला हूँ आप लोगों को। हाँ भाई, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा ये एप्लीकेशन कौन सा है? तो ये एप्लीकेशन गाइस डीओ रिकॉर्डर है, बट आप लोग इसको प्ले स्टोर से या फिर क्रोम से डाउनलोड मत करना, कहीं से भी डाउनलोड मत करना, जहाँ से मैं लिंक दूंगा वहाँ से डाउनलोड करना, नहीं तो गाइस आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। फिर बाद में मत रोना कि मैं मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, फिर बाद में आप लोग रोओगे फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग कैसे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन में वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो को बस एंड तक वॉच करो। और गाइस अभी देखो मैं गेम ऑन कर रहा हूँ, तो गेम जैसे ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना गेम स्पेस के इधर गया अंदर, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना गेम स्पेस को ऑफ कर दिया। क्यों ऑफ कर दिया उसका भी पता चल जाएगा मैंने क्यों ऑफ किया है। किसी को भी पता नहीं है, पूरे YouTube में मैं चैलेंज लगा सकता हूँ, किसी भी को भी पता नहीं, सबसे पहले मैंने ये इन्वेंट किया ये वाला, मतलब ये जो भी ट्रिक है गाइज ये मैंने ही निकाला है। तो गाइज वीडियो को बस एक लाइक कर दो जल्दी से। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को सिंपली ग्रुप बना लेना है, उसके बाद जैसे कि मैं ग्रुप बना रहा हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करना है साइड से स्लाइड करना है, एंड यहाँ पे आप लोग ऑन कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से डीओ रिकॉर्डर को। आप लोग देखो यहाँ पे मेरा ऑन हो रहा है, तो जा भाई क्या हो रहा है देखो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फाइंड कर लेना वॉइस चेंज का ऑप्शन। तो गाइज यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ऑन हो गया था गलती से, यहाँ पे वापस से रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है वॉइस चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा फाइंड कर लो कि कहाँ पे मेरा वॉइस चेंज का ऑप्शन है। चलो भाई खोजो जल्दी जल्दी, हो जाओ भाई, आप लोग बंदे वेट करे, कब से वेट करे गाइज। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे ऑप्शन है। मिल गया यहाँ पे गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चेंज वॉइस का ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे गाइज यहाँ पे नॉटी किड का ऑप्शन दिख रहा होगा, लोलिता का दिख रहा होगा, एंड अंकल का दिख रहा होगा, ये सब आवाज़ निकाल सकते हो। बाकी ये रोबोट वाला सब फालतू है क्योंकि ये सब मतलब अजीब सा साउंड आता है। बाकी सबसे बेस्ट गाइज मेरे को तो ये राइस्टार वाला लगता है, ये नॉटी किड जो देख रहे हो इसी से राइस्टार के जैसा आवाज़ निकलता है। पूरा परफेक्ट नहीं निकलेगा, बट जितना मेरा निकल जाता है उतना ही निकल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग करना क्या बेसिकली गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इन गेम का पहले माइक ऑन करा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे नॉटी किड पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को ये जो एप्लीकेशन के नीचे जो माइक दिख रहा है रेड रेड व्हाइट व्हाइट दिख रहा है गाइज, ऑरेंज ऑरेंज जो भी है गाइज दिख रहा है, तो उसी पर क्लिक करके रखना है। जो भी बोलोगे शायद सामने वाले को बंदे को गाइज यहाँ पे राइस्टार का आवाज़ सुनाई देगा। यानी कि सिंपली गाइज आप लोग क्या करना है, इन गेम का माइक ऑन करना है, उसके बाद आप लोग को नॉटी किड पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन का माइक को दबा के रखना है। जो भी बोलोगे गाइस सामने वाले बंदे को राइस्टार के जैसा वॉइस सुनाई देगा। तो होप करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी ट्रिक है गाइस। इस मतलब ये ट्रिक से मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका ये ट्रिक वर्क कर रहा है और वो लोग खुश है गाइस, ठीक है। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दो जल्दी से, क्योंकि ऐसा ट्रिक आप लोग को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये प्रॉब्लम आता है कि अब ये एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, एंड ये एप्लीकेशन का एक प्रॉब्लम है कि जैसे कि आप साइड में देख सकते हो ये थोड़ा देखने में
भद्दा लगता है, क्योंकि गेम बूस्टर का ऐसा है कि गाइस यहाँ पे आप लोग मतलब अजीब सा लगता है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आप लोग इसको गुफा में डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे खुल जा सिम में डाल दिया है, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने वापस से क्लिक किया, यहाँ पे वापस से गाइस सीधा सीधा वॉइस चेंज का ऑप्शन आ गया। तो गाइस ये बहुत बहुत ही सॉलिड ट्रिक है, किसी को पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी एप्लीकेशन नया आया है, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। तो देखो गाइस यहाँ पे जैसा इधर सीधा क्लिक कर रहा हूँ और सीधा स्लाइड कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, और एक अलग सा ऑप्शन आ जा रहा है। आप लोग देख सकते हो व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा होगा सिंबल आपको यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ये मतलब एप्लीकेशन इसी के लिए बिल्ड किया गया है स्पेशली गाइस, ताकि आप लोग यहाँ से फ्लोटिंग विंडो से वॉइस चेंज कर सको। तो ये किसी को भी पता नहीं गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ, तो जाके आप लोग वॉइस चेंज करो, अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करो। तो आप लोग को होप करते वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक कर दो यार, तब से भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ कर दो यार, तब से बोल रहा हूँ। तो चलो अभी आप लोगों को बता देता हूँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है गाइस। और ये एप्लीकेशन का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, पर आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है वो बहुत कम ही बंदे कर पाएंगे। चलो वीडियो को अभी वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। तो आप लोग को गाइस कुछ इस तरह का कमेंट बॉक्स में इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग लिंक पे क्लिक करो सीधा तो आप लोग को क्रोम पे ले जाएगा, ठीक है। तो क्रोम पे आप चले जाना सीधा सीधा, उसके बाद आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ एड फ्लाई करके वेबसाइट है, तो आप लोग यहाँ पे जो भी चीज़ बोलेगा अलाउ करना सबको अलाउ कर देना, बट कोई चीज़ भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने बोलेगा तो मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं करना। कहाँ पे डाउनलोड करना मैं बता दूंगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में ऐड स्किप करके ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग ऐड स्किप करके वहाँ पे स्किप ऐड करके ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू टू अलाउ दिखाएगा, तो यहाँ पे फिर से अलाउ कर देना आप लोगों को, सिंपली बहुत ईजी है गाइस। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग कुछ कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, फिर से आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पे दो तीन बार भी रख सकता है, मेरे को दो बार सिर्फ रखा था, तो आप लोग को तीन या चार बार भी रख सकता है, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे बस वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे वो लोडिंग ले रहा है। तो जैसे ही लोडिंग लेगा गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मीडिया फायर का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सीधा डाउनलोड पे जाके देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।